मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान एक जमीन बंद मुल्क है। इसके शमाल की जानब रूस और जनूब की जानब चीन वाक़ है। माजी में इस शहर को ओलान तबूर कहते थे। मुल्क की आबादी का 38% हिस्सा इस शहर में रहता है। मुल्क के ज्यादातर लोग बौद्ध मत के पैरोकार हैं। खारा खोतू मंगोलिया के सहराए गोबी में मौजूदा एक पुरअसरार शहर है। इस शहर की मट्टी दुनिया के सबसे बड़े फातिहीन चंगेज खान, हलाकू खान, बुरका खान, कबलाई खान और तैमूर लंग जैसे फातिहीन को जन्म दे चुकी है। यह शहर एक पुरौनक सरजमीन हुआ करता था। फिर आखिर क्या हुआ कि यह हंसता बसता शहर उजड़ गया। आज इस शहर में हर तरफ बर्बादी और सन्नाटे का राज है। मंगोलिया के बासी इस शहर में नहीं जाते। मंगोलिया के लोग इस शहर से मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शहर की मट्टी से अजीब किस्म की बदबू आती है और कुछ इसे आसेब ज़दा करार देते हैं। कुछ का कहना है कि इस शहर से बच्चों की चीखों पकार, सिसकी और आहों की आवाजें आती हैं और कुछ कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी कटी फटी लाशें देखी हैं। रिसर्चर्स की रिसर्च में जो चीज सामने आई है वो कुछ यूँ है कि इस शहर को 1032 ईस्वी में बसाया गया था। इस शहर को चीनी ने आबाद किया था। इस शहर के साथ दरियाए एजन चलता था। ये दुनिया के कदीम तरीन तजारती रास्ते शराय रेशम पर वाकिया था। एक तजारती रागुजर के साथ होने के बावजूद भी ये लोग तजारत नहीं करते थे बल्कि अपने गुजर बसर के लिए तजारती काफिलों को सहूलत मुहैया करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। 1224 में चंगेज खान ने इस शहर पर कब्जा कर लिया जिसके बाद ये शहर दिन ब दिन तरक्की करता गया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरक्की करता खुशहाल शहर आखिर तबाह कैसे हो गया। कहा जाता है कि जब चीनी ने इस शहर को सफ़े हस्ती से मिटाने की ठान ली और इस पर हमला आवर हो गए तो मद्दे मुकाबल से सख्त लड़ाई का सामना करना पड़ा। बादशाह की क्यादत में मकामी लोगों ने उन्हें शहर में दाखिल होने से रोक रखा और वो पसपा होकर वापस चले गए तो चीनी ने दरियाए एजन का रुख मोड़ दिया। कुछ ही अरसे में यह शहर गंदम के एक एक दाने के लिए तरस गया। यहाँ के बादशाह खारा बतूल ने अपने सारे खानदान को कत्ल करके खुदकुशी कर ली और यूँ चीनी फौज इस शहर में दाखिल हो गयी और उन्होंने तमाम बासियों यहाँ तक के इनके जानवरों को भी जबह कर दिया। तब से लेकर आज तक इस शहर में कोई नहीं गया। ये थी खारा खोतू की कहानी कि वो कैसे बर्बाद हुआ। नाजरीन अब आते हैं हम आज के मौजू की तरफ। नाजरीन साल 2018 में पाकिस्तान एक तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। कारोबार चल रहे थे। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था। अमनो अमान की सूरत हाल को बहाल कर दिया गया था। इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई थी। बेरोजगारी पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका था। बहुत से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हो गया था। मुल्की खजाने में बेहतरी आ रही थी। कारोबार के नए से नए मौके हासिल हो रहे थे। मेरे मुल्क में हर तरफ रिश्वत, लाकानूनियत, महंगाई हुकूमत कर रही है। गरीब का चूल्हा हर गुजरते दिन के साथ ठंडा हो रहा है। गुर्बत, भूख, अफलास ने गली गली में डेरे डाल रखे हैं। डीजल, पेट्रोल, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, गोश्त, फ्रूट, हर चीज आवाम की पहुँच से इस तरह दूर कर दी गयी है जिस तरह चीनी ने दरिया का रुख मोड़कर खारा खोतू के लोगों से अनाज का एक एक दाना छीन लिया था। मौजूदा हुक्मरान भी इन्हीं के पैरोकार नजर आते हैं जो गरीब, अमीर और सफेद पोश सब की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर तब्दीली सरकार अपने बाकी 2 साल भी पूरे कर जाती और अपनी इसी रोश पर कायम रहती तो हाकम बदहन कहीं मेरी अर्ज पाक को खारा खोतू न बना देते। खुदा न खास्ता कहीं मेरे वतन को भी आसायब जदा करार न दिया जाता। ए मेरे रब करीम, मेरे मुल्क पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें ऐसे हुक्मरानों से निजात दिला जो मेरे देश को खारा खोतू बनाने पर तुले हुए हैं। नाजरीन अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।